अल्लामा इकबाल का यही कहना था कि मुसलमानों को उनके हुकूक दिए जाएं, और जो है कहने उन्होंने जो है अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले आइडिया दिया था सेपरेट होमलैंड का मुसलमानों के लिए, एंड देन उसके बाद जो है कहने हम मूव ऑन हम कर देते हैं शाह वलीउल्लाह पर। शाह वलीउल्लाह वाज अ ग्रेट सेंट स्कॉलर एंड रिफॉर्मर। शाह वलीउल्लाह हज करने के लिए गए थे मक्का इन 1724, लेकिन हज के दौरान ही वो वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए रुक गए क्योंकि उनको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी इनिशिएटिव इस तरह का दिया था कि उन्होंने रिसर्चेस की, और जिन्होंने रिसर्चेस उन्होंने इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर किया था जो उनकी काफ़ी मानी और जानी रिसर्चेज हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी जो कि 1951 में दिल्ली में पैदा हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम अबू हनीफा से, और ये जो है आज हौज़ा शमसी में तदफीन इन्होंने पाई और वहीं इनका मकबरा। अब हम चलते हैं कायदे आज़म पर। कायदे आज़म ने बताया कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स जो हैं वो एक साथ कभी नहीं रह सकते, मुसलमानों जो मुसलमानों के लिए एक अलग-अलग जगह होनी चाहिए, और जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की और जद्दोजहद की, और उन्होंने कहा कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स